लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो प्लास्टिक की थैलियां हैं, पर अपने आप ही जल कैसे रही हैं? अरे उठिए भाई साहब, भाई साहब आइए आइए। लगता है ये कोई जहरीली गैस है, पहले इसे खत्म करना होगा। मगर प्लास्टिक से जहरीली गैस बनी कैसे? जरूर इसे कोई बना रहा है, मगर कौन हो सकता है वो? हो गए ना हैरान शक्तिमान? द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट जैकॉल का ये नया फॉर्मूला तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इस सदी की देन है प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक को आज समाज का हर घर अपना चुका है। हर आदमी जिस प्लास्टिक की थैलियों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर कचरे में फेंक रहा है, आज वही प्लास्टिक लोगों की जान की दुश्मन बन रही है। सर क्यों ना हम ऐसा करें, पृथ्वी की सारी प्लास्टिक को जहरीली गैस में बदलकर सारे पृथ्वीवासियों को एक साथ मार दें। शट अप! तुम अभी नए नए शैतान बने हो, इसीलिए शैतानियत का उसूल अभी पूरी तरह से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। शैतानियत का मकसद इस दुनिया के लोगों को मारना नहीं है। फिर क्या है सर? उन्हें शैतान बनाना है, जैसे मैंने तुम सभी साइंटिस्ट्स को यहां शैतान बनाया है, ठीक वैसे ही। उस प्रोफेसर विश्वास की दवा के जरिए। सर एक्सक्यूज मी, मुझे आपके थॉट में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट जैकॉल के थॉट में कंफ्यूजन कैसे? सर एक तरफ आप प्लास्टिक की थैलियों को जहरीली गैस में बदलकर लोगों को धीरे धीरे मार रहे हैं, और फिर कहते हैं कि शैतानियत का मकसद लोगों को मारना नहीं है, तो ये कंफ्यूजन नहीं तो और क्या है सर? कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है बेवकूफ, जैकॉल के थॉट में नहीं। जैकॉल के थॉट को समझने के लिए द ग्रेट जैकॉल का ग्रेट दिमाग चाहिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट जैकॉल के पास है। जैकॉल छुटपुट लोगों को इसीलिए मार रहा है ताकि लोगों में खौफ पैदा हो सके। मगर सर आप खौफ क्यों पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि खौफ यानी डर से ही शुरुआत होती है पाप की, और शैतानियत का मकसद है पाप फैलाना। डरे हुए लोगों को आसानी से अंधेरे का गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन सर जब तक शक्तिमान जिंदा है आपके अंधेरे का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता।
वो अंधेरे का मकसद हमेशा फेल कर देता है। सर, अभी अभी उसने कालुषा के काराडुंगा वाले अड्डे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। कालुषा से जगौल का क्या मुकाबला? कालुषा कालुषा है और जगौल द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जगौल है। तुम देखना, इस बार शक्तिमान को फेल होना ही पड़ेगा, क्योंकि शक्तिमान का सामना इस बार एक ऐसी आफत से होने वाला है जो इंडेस्ट्रक्टिबल है, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। शक्तिमान के लिए इसे खास तौर से तैयार किया है डॉक्टर जगौल ने। लेकिन वो है कौन? जगौल के इस नए आविष्कार का नाम है प्लास्टिका। प्लास्टिका? लेकिन सर वो है कहां? एक मिनट, गार्ड्स। यस सर, यस सर। अब प्लास्टिक की थैलियां ही इसकी खुराक है। इसे जितनी ज्यादा प्लास्टिक मिलेगी, उतनी ही ज्यादा यह खतरनाक होती चली जाएगी। इसके मुंह से निकलने वाली जहरीली गैस अब तक शहर में फैलने वाली जहरीली गैस से 100 गुना ज्यादा जहरीली होगी। मगर सर, शक्तिमान ने इसे जमीन में गाड़ दिया तो प्लास्टिक का जहर बनकर जमीन को बंजर बनाकर बाहर निकल आएगी। और अगर शक्तिमान ने प्लास्टिका को मोम की तरह गला दिया तो प्लास्टिका पानी में मिलकर लोगों के शरीर में जहर बनकर पहुंच जाएगी। और सर, शक्तिमान ने प्लास्टिका को जलाकर राख कर दिया तो प्लास्टिका गैस बनकर पूरे वायुमंडल में जहरीली बनकर जिंदा रहेगी। इस प्लास्टिका का कोई तोड़ नहीं है, शक्तिमान किसी भी सूरत में इससे बच नहीं सकता। हाँ, यकीनन शक्तिमान खत्म होगा इस प्लास्टिका के हाथों। हाँ मेरे आका, प्लास्टिका जरूर खत्म करेगी आपके दुश्मन शक्तिमान को। आप मुझे बस पृथ्वी पर जाने की इजाजत दीजिए। जगौल तुम्हें जाने की इजाजत देता है प्लास्टिका। शुक्रिया मेरे आका। सबसे पहले तुम पृथ्वी पर जाकर ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाओगी, उसके बाद शक्तिमान पर हमला कर उसे खत्म करोगी, फिर उसके बाद तुम्हारे खौफ से दुनिया वाले खुद ब खुद तबाह होते चले जाएंगे। अब तुम जा सकती हो प्लास्टिका। शक्तिमान, तू इस जहरीली गैस के रहस्य को ढूंढ रहा है ना? प्लास्टिका खुद तुझे खत्म करने के लिए तेरे पास आ रही है। मजदूर यूनियन, जोर से बोलिए मजदूर यूनियन। भाइयों और बहनों, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। हमें अपनी एकता बरकरार रखते हुए महंगाई से मुकाबला करना चाहिए।
मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। काम ठीक हो गया? अरे ये क्या पाला? अरे बहुत जल्द तेरा भी यही हाल होगा शक्तिमान। प्लास्टिका के आतंक से बौखला उठेंगे दुनिया वाले।